नमस्कार, मैं निशी भाटिया और आप देख रहे हैं एमवी नेटवर्क। चलिए दिन भर की बड़ी खबरों पर नजर डालते हैं, वो भी एक्सप्रेस अंदाज में। पांच राज्यों में होंगे विधानसभा चुनाव, आज चुनावी पर्यवेक्षकों की दिल्ली में होगी बैठक, हो सकती है तारीखों के ऐलान। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह आज राजधानी दिल्ली में वामपंथी उग्रवाद पर एक समीक्षा बैठक करेंगे। अध्यक्षता बैठक में बिहार, ओडिशा, महाराष्ट्र आठ राज्यों के प्रतिनिधि लेंगे भाग। उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ आज राजस्थान का करेंगे दौरा, मोदी विज्ञान और प्रौद्योगिक विश्वविद्यालय में छात्रों को करेंगे संबोधित। त्रिवेणी धाम, सांगलिया, धूनी और वीर तेजाजी मंदिर का करेंगे दर्शन। एनसीपी संकट को लेकर चुनाव आयोग में आज होगी सुनवाई, शरद पवार गुट की ओर से वकील अभिषेक मुनि सिंधवी करेंगे बहस। शरद पवार गुट की ओर से करीब 8 से 9 हजार हल्फनामे किए जाएंगे दाखिल। कांग्रेस राष्ट्रीय महासचिव प्रियंका गांधी आज कांकेर में सभा को करूंगी संबोधित। नगरीय निकाय और पंचायती राज महासम्मेलन में होंगी शामिल। सीएम भूपेश बघेल और तमाम कांग्रेस के दिग्गज होंगे शामिल। बीजेपी ने पोस्टर के जरिए आप और कांग्रेस पर बोला हमला, राहुल गांधी को बताया नए जमाने का रावण। सिसोदिया संजय को दुख कह दी। चुनावी मौसम में बीजेपी ने आम आदमी पार्टी और कांग्रेस पर निशाना साधते हुए जारी किया पोस्टर। देशभर में आम आदमी पार्टी ने किया प्रदर्शन, दिल्ली में बीजेपी दफ्तर के बाहर कार्यकर्ताओं ने किया प्रदर्शन, हिरासत में लिए गए कई प्रदर्शनकारी। दिल्ली शराब घोटाले में आम आदमी पार्टी को बनाया जा सकता है आरोपी, सूत्रों के मुताबिक जांच एजेंसी ले रही कानूनी सलाह। दिल्ली शराब घोटाले में मनीष सिसोदिया की जमानत याचिका पर सुनवाई टली, अब 12 अक्टूबर को होगी सुनवाई। मनीष सिसोदिया की जमानत याचिका पर सुनवाई टली, सुप्रीम कोर्ट कोई जवाब नहीं देगी ईडी, 9 महीने से जेल में बंद है सिसोदिया। शराब घोटाले में आप सांसद संजय सिंह की राउज एवेन्यू कोर्ट में पेशी, दिनेश अरोड़ा के साथ ईडी ने करोड़ों की जेल का किया दावा। देवरिया हत्याकांड में योगी सरकार का बड़ा एक्शन, एसडीएम, सीओ और तहसीलदार समेत 15 पर गिरी गाज, सभी अधिकारियों पर लापरवाही का आरोप। आरएसएस के विजयदशमी उत्सव में मचेगी धूम, 98 साल पुराने होने पर विशाल कार्यक्रम, जाने माने संगीतकार पद्मश्री शंकर महादेवन होंगे चीफ गेस्ट। सीएम योगी आदित्यनाथ के ताबड़तोड़ दौरे, आज पीलीभीत के दौरे पर रहेंगे सीएम योगी। सात अक्टूबर को सीएम योगी पहुंचेंगे केदारनाथ, 8 अक्टूबर को बद्रीनाथ में करेंगे दर्शन पूजन। नौ अक्टूबर को उन्नाव के दौरे पर रहेंगे सीएम योगी, दौरे को लेकर प्रशासन पूरी तरह से अलर्ट।
जोधपुर पर बोले पीएम मोदी, सीएम अशोक गहलोत थक गए हैं, उनको आराम करना चाहिए। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अपने राजस्थान के दौरे पर राज्य को दी 5,000 करोड़ की योजनाओं की सौगात। पीएम बोले राजस्थान की धरती गौरव की धरती है, इतिहास का प्रतिनिधित्व करता है राजस्थान। पीएम ने कहा भारत विकसित तब होगा जब राजस्थान विकसित होगा, हम चाहते हैं कि सरकार राजस्थान का विकास तेजी से करे। रायपुर दौरे पर केंद्रीय खेल युवा सूचना और प्रसारण मंत्री अनुराग ठाकुर, केंद्रीय मंत्री ने मीडिया संवाद से ऐप किया लॉन्च। बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष अरुण साव और पूर्व मुख्यमंत्री डॉक्टर रमन सिंह रहे मौजूद, बैठक में कई केंद्रीय योजनाओं पर भी चर्चा। अनुराग ठाकुर ने छत्तीसगढ़ के सीएम भूपेश बघेल के बयान पर किया पलटवार, कहा जिस व्यक्ति का दामन साफ ना हो और 5 साल में कुछ भी ना किया हो उसे जनता बाहर निकालेगी। अनुराग ठाकुर बोले शराब घोटाले से लेकर कोयले की दलाली तक ना जाने कौन कौन से आरोप, सीएम को देना चाहिए इस्तीफा। दिल्ली में आतंकवाद विरोधी सम्मेलन का उद्घाटन, केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने किया सम्मेलन का उद्घाटन। एनआईए ने आयोजित किया आतंकवाद विरोधी सम्मेलन, महत्वपूर्ण सम्मेलन में डीजीपी एजेंसियों के वरिष्ठ पुलिस अधिकारी भी हुए शामिल। आप सांसद संजय सिंह की गिरफ्तारी पर आपकी ओर से प्रेस कॉन्फ्रेंस का किया गया ऐलान और एक मंत्री आतिशी का बड़ा बयान आया सामने। आतिशी ने कहा यह प्रधानमंत्री और भाजपा की बौखलाहट है, विपक्ष पर कार्रवाई बीजेपी की बौखलाहट का साफ उदाहरण है। ईडी पहुंची थी संजय सिंह के घर, 8 घंटे तक हुई छानबीन, बाद में हुई संजय सिंह की गिरफ्तारी। केंद्रीय मंत्री संजीव बालियान पश्चिमी यूपी को अलग राज्य बनाने की मांग पर अड़े, मेरठ को राजधानी बनाने का किया सुझाव। संजीव बालियान ने कहा अलग राज्य बनने से जनता को मिलेगी बहुत से फायदे, भविष्य में आएंगे नजर। सिक्किम में मंगलवार देर रात करीब 1:30 बजे बादल फटने की घटना से अब तक 19 लोगों की मौत की खबर की पुष्टि। सिक्किम घटना में 26 हुए घायल, 102 लोग अभी भी लापता, जिसमें सेना के 22 जवान भी शामिल हैं। सभी जवानों की मौत की आशंका जताई गई। सिक्किम में नदी का जलस्तर 15 से 20 फीट तक बढ़ा, नदी से लगे इलाके में पानी भर गया, नदी के प्रकोप से पानी में बहा आर्मी कैंप। हम
आम आदमी पार्टी राजस्थान से बीजेपी मुख्यालय पर किया घेराव। बीजेपी कार्यालय पर 50 आप कार्यकर्ता ने घुसने का किया प्रयास। हिरासत में लिए गए आम आदमी के सभी कार्यकर्ता। शराब नीति में हिरासत में लिए गए संजय सिंह की गिरफ्तारी को बताया गया गलत। कानपुर देहात में औद्योगिक क्षेत्र रनिया में मयूर फैक्ट्री में इनकम टैक्स का छापा। छापेमारी से कंपनी के लोगों में मचा हड़कंप। कंपनी के कर्मचारियों ने नहीं दी किसी भी मीडिया कर्मी को एंट्री। कई घंटों से कंपनी के अंदर मौजूद है आयकर विभाग की। पंजाब से अलकावाद और खालिस्तानी आतंकवाद को जड़ से खत्म करने की मोदी सरकार ने बड़े एक्शन की तैयारी शुरू की। अलगाववाद और खालिस्तानी आतंकवाद भारत के लिए बड़ा समस्या के रूप में खड़ा हुआ है। देश की सुरक्षा एजेंसी कर रही लगातार बैठक। राष्ट्रीय जांच एजेंसी ने 5 से 6 अक्टूबर को राजधानी दिल्ली में बुलाई बड़ी बैठक। अलगाववाद और खालिस्तानी आतंकवाद पर हो सकती है बड़ी कार्रवाई। खालिस्तानी आतंकी हरदीप सिंह निज्जर की हत्या के बाद भारत और कनाडा के रिश्तों में बड़ा तनाव। आतंकियों पर कार्रवाई के लिए एजेंसियों ने कसी कमर। भागलपुर के गोपालपुर विधानसभा क्षेत्र से जदयू के वरिष्ठ नेता नरेंद्र कुमार नीरज रिवॉल्वर लेकर पहुंचे अस्पताल। लोगों में फैलाई गई दहशत। विधायक गोपाल मंडल का विवादों से पुराना नाता। गोपालपुर से आए मरीज के उपचार में देरी। डॉक्टर को AK-47 से खून देने पर दी धमकी। मोदी सरकार का बड़ा ऐलान। उज्ज्वला योजना में 600 रुपए में मिलेगा गैस सिलेंडर। केंद्रीय कैबिनेट की बैठक में मोहर लगी। जयपुर रोडवेज की घटना पर बड़ा विवाद। बड़ी चौपड़ पर हिंदू संगठनों का विशाल धरना प्रदर्शन। गहलोत सरकार पर जिहादियों के आग झुकाने को लेकर आरोप लगाते हुए नजर आए। ईडी ने ममता बनर्जी के भतीजे अभिषेक और उनकी पत्नी रौजरा को भेजा समन। 9 अक्टूबर को पेश होने के आदेश। ईडी ने तृणमूल कांग्रेस के वरिष्ठ नेता अभिषेक बनर्जी को स्कूल भर्ती घोटाले के संबंध में पूछताछ के लिए 3 अक्टूबर को किया था तलब। लैंड फॉर जॉब मामले में लालू परिवार को मिली राहत। नौकरी के बदले जमीन घोटाले मामले में कोर्ट ने दी जमानत। लैंड फॉर जॉब मामले में लालू प्रसाद यादव राबड़ी देवी बिहार के उप मुख्यमंत्री तेजस्वी यादव और राजद सांसद मीसा भारती को मिली जमानत। लालू मामले में 16 अक्टूबर को होगी मामले की सुनवाई बड़ी। और लालू और तेजस्वी यादव समेत 15 आरोपियों को 50,000 के निजी मुचलके पर जमानत। सुनवाई से लालू यादव का बयान सुनवाई होती रहती है। इनसे नहीं डरा जाता क्योंकि कुछ भी गलत नहीं किया गया है। सीबीआई ने 18 मई 2022 को दर्ज किया था केस।
उद्धव ठाकरे गुट के नेता आनंद दुबे ने सरकार पर साधा निशाना कहा, पत्रकारों के यहां छापेमारी, टीएमसी के नेताओं को घसीटा गया है, देश में विपक्ष की जरूरत नहीं। इस साल के अंत में होने वाले विधानसभा में घोषणा पत्र की जगह संकल्प पत्र लाएगी बीजेपी, संकल्प पत्र को तैयार करने के लिए आम जनता के बीच में जाएगी पार्टी। जनता के बीच जाने के लिए आकांक्षा रथ के लिए तैयार, 200 विधानसभा क्षेत्र में जाएंगे रथ। रथों को पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा ने दिखाई हरी झंडी, संकल्प पत्र के लिए केंद्रीय मंत्री अर्जुन राम मेघवाल की अध्यक्षता में कमेटी का गठन। कमेटी के तमाम सदस्य प्रदेश की आम जनता से अलग अलग जगह जाकर करेंगे संवाद, जनता से समस्याओं के बारे में लेंगे सुझाव। डिजिटल न्यूज वेबसाइट न्यूज क्लिक और उससे जुड़े कुछ पत्रकारों की यहां पड़ी छापेमारी, पीडीसी प्रमुख महबूबा मुफ्ती का बड़ा बयान आया सामने। महबूबा मुफ्ती ने कहा, हम इसकी निंदा करते हैं, बीजेपी का जो अमृतकाल चल रहा है उसमें सच बोलना सबसे बड़ा अपराध है। अमृतकाल में सरकार से सवाल पूछने वालों को भेजा जा रहा है जेल, लोगों के खिलाफ लगाया जाता है यूएपीए। उत्तराखंड के देहरादून में कैबिनेट मंत्री प्रेमचंद अग्रवाल ने लोक निर्माण विभाग द्वारा किया जा रहे कामों का लिया जायजा। कैबिनेट मंत्री ने अधिकारियों को लगाई फटकार, काम को जल्द से जल्द पूरा करने के दिए निर्देश, जिससे ट्रैफिक जाम से मिले छुटकारा। उत्तराखंड में आबकारी नीति 2023-2024 के मुताबिक विभाग ने घर में बियर बार का पहला लाइसेंस किया जारी, देहरादून के एक व्यक्ति को दिया गया लाइसेंस। धामी कैबिनेट ने मार्च 2023 में आबकारी पॉलिसी को किया था मंजूर, नीति के तहत घर में बियर बार की अनुमति दी गई है। मध्य प्रदेश के ग्वालियर में 100 से ज्यादा बच्चे फूड पॉइजनिंग का शिकार, अस्पताल में चल रहे इलाज, 12 से ज्यादा छात्रों की हालत नाजुक। रेल मंत्री ने वंदे भारत स्लीपर वर्जन कॉन्सेप्ट की तस्वीरें की शेयर, कोच में होगी रूफ लाइटिंग, बर्थ में चढ़ने के लिए बनाई गई 5 स्टेप सीढ़ी। शामली के कांदला क्षेत्र में सिटी हॉस्पिटल पर सीएमओ ने भारी पुलिस बल के साथ मिलकर की छापेमारी, अस्पताल को किया गया सील। छापेमारी से झोलाछाप चिकित्सकों में मचा हड़कंप, छापेमारी के दौरान 12 बेड के लिए मान्य सिटी हॉस्पिटल में 19 मरीज भर्ती, 62 मरीज के नाम आयुष्मान कार्ड पोर्टल में शामिल। स्वास्थ्य विभाग की टीम ने मौके पर 394 आयुष्मान कार्ड 3 रजिस्टर कब्जे में लेते हुए अस्पताल को सील किया। लखनऊ से शुरू हुई बीजेपी की क्षेत्रीय बैठक, महिला और अनुसूचित जाति सम्मेलन के लिए पार्टी के क्षेत्रवार बैठक। क्षेत्रवार बैठक में दोनों सम्मेलन में आयोजन की रूपरेखा तय, प्रदेश अध्यक्ष भूपेंद्र सिंह चौधरी ने की काशी में एक बैठक।
प्रदेश महामंत्री संगठन धर्मपाल सिंह के साथ पश्चिम क्षेत्र की बैठक, वहीं लखनऊ में अवध क्षेत्र की बैठक। अवध क्षेत्र की बैठक के बाद 6 अक्टूबर को भूपेंद्र सिंह अलीगढ़ में लेंगे ब्रिज की बैठक, कई महत्वपूर्ण विषयों पर होगी चर्चा। उत्तरकाशी में समस्याओं को सुनने और जन कल्याणकारी कार्यक्रमों की जानकारी देने के लिए लगाया गया शिविर। जिला तहसील और ब्लॉक मुख्यालय से कई विभागों के अधिकारी शिविर में पहुंचे। शिविर में 14 गांव के निवासियों की समस्याओं को सुना गया। क्षेत्रवासियों ने 62 शिकायतें और समस्याएं दर्ज कराई। निस्तारण के लिए मौके पर ही संबंधित विभागों के अधिकारियों को निर्देश जारी। शिविर में खेती बागवानी से संबंधित जानकारी देने के साथ ही कृषि यंत्रों, उपकरणों, दवाओं का किया गया प्रदर्शन। जाति जनगणना पर सीएम नीतीश ने सभी 9 दलों के साथ बैठक। जाति आधारित गणना की रिपोर्ट पर सभी पार्टियों के साथ बैठक। राज्य सरकार ने सभी पार्टियों के सामने रखी रिपोर्ट। बैठक में आर्थिक सर्वेक्षण पर चर्चा। नीतीश कुमार ने कहा वे जनता के लिए उचित कदम उठाएंगे। जाति आधारित जनगणना की रिपोर्ट जारी होने पर डिप्टी सीएम तेजस्वी यादव का बयान, कहा सरकार बनने के बाद कम समय में हमने जानकारी इकट्ठा की। तेजस्वी यादव ने कहा ऐतिहासिक काम किया हमने, हम वैज्ञानिक आंकड़ों के आधार पर कल्याणकारी योजना लाने का करेंगे प्रयास। बिहार सरकार ने जाति आधारित गणना की रिपोर्ट सार्वजनिक की। रिपोर्ट के मुताबिक बिहार में कुल 13 करोड़ से अधिक की आबादी। हिमाचल प्रदेश के धर्मशाला में सरकारी कार्यालय के बाहर खालिस्तानियों की करतूत की जांच जारी। पुलिस कर रही मामले की जांच। धर्मशाला में सरकारी कार्यालय के बाहर देखे गए खालिस्तानी चित्र, पुलिस ने कार्रवाई करते हुए दीवारों पर पेंट कराया। नेपाल में भड़की सांप्रदायिक हिंसा, भारी तनाव के बीच कई इलाकों में लगाया गया अनिश्चितकालीन कर्फ्यू। मुख्य जिलाधिकारी विपिन आचार्य ने हिंसा और पत्थरबाजी को देखते हुए आम लोगों की सुरक्षा के लिए लगाया कर्फ्यू। स्थानीय प्रशासन ने दी चेतावनी, अगर किसी को कानून का उल्लंघन करते हुए पाया गया तो उसके खिलाफ की जाएगी कठोर कार्रवाई। इस घटना के बाद नेपाल से सटे उत्तर प्रदेश के इलाकों में अलर्ट घोषित। नेपाल में लगातार बढ़ रही सांप्रदायिक झड़प। हिंदू और मुसलमानों के बीच बढ़ते तनाव को देखते हुए सुरक्षा एजेंसियों की बड़ी टेंशन। धरने के इलाके पर भड़का तनाव। नाइजर में मचा तांडव, आतंकियों ने 29 सैनिकों को उतारा मौत के घाट। 3 दिन का राष्ट्रीय शोक घोषित। नाइजर के रक्षा मंत्रालय के अनुसार 100 से अधिक आतंकवादियों ने ब्लास्ट के उपकरणों और वाहनों के उपयोग से सैनिकों को बनाया निशाना। आतंकी घटना में 2 सैनिक गंभीर रूप से घायल। मुठभेड़ में कई आतंकवादी भी मारे गए।
जिहादी विद्रोह में एक दशक से अधिक समस्या से अफ्रीका के साहले क्षेत्र में किया प्रभावित। 2012 के उत्तरी माली में फैल चुका है आतंकवाद। मॉनसून की विदाई के बाद बदला मौसम का मिजाज। आईएमडी ने जारी किया अलर्ट, देश के कई राज्यों में बारिश। बिहार झारखंड से सिक्किम तक कई इलाकों में भारी बारिश का अलर्ट। एनसीआर समेत भारत के राज्यों में आसमान साफ। मध्य प्रदेश में बारिश को लेकर अलर्ट जारी। 7 जिलों में हो सकती है तेज बारिश। छत्तीसगढ़ में भारी बारिश की आशंका। भारत ने एशियन गेम्स में लगाई गोल्ड की हैट्रिक। पॉइंट्स टेबल में हुआ फायदा। 12वें दिन शानदार प्रदर्शन जारी। भारत ने तीरंदाजी में मींस कंपाउंडर इवेंट में गोल्ड मेडल जीता। पुरुष कबड्डी टीम ने बता दी कि सेमीफाइनल्स में बनाई जगह। भारत की कंपाउंड महिला तीरंदाजी टीम ने एशियाई खेलों में गोल्ड मेडल जीता। बैडमिंटन खिलाड़ी पीवी सिंधु को मिली हार। एआर रहमान ने सर्जन एसोसिएशन को भेजा 10 करोड़ का मानहानि का नोटिस। 15 दिनों का दिया अल्टीमेटम। एसोसिएशन ऑफ सर्जन ऑफ इंडिया ने संगीत उस्ताद के खिलाफ शिकायत दर्ज कर उन पर पैसे ऐंठने का लगाया आरोप। मामले के जवाब में एआर रहमान ने सर्जन एसोसिएशन के खिलाफ मानहानि का मुकदमा दायर कर उनसे बिना शर्त माफी की मांग की है। बिग बॉस 17 के घर की पहली झलक आई सामने। घर की तस्वीरें देखकर फैंस हुए बेहद एक्साइटेड। फिलहाल इन खबरों में बस इतना ही। देश और दुनिया की तमाम बड़ी खबरों के लिए देखते रहेगा एएमवी नेटवर्क।